अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका और मैं हूँ आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ। बार बार मैं एक कोट रिपीट करता हूँ कि देयर इज़ ओनली वन प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर हार्ड वर्क इज़ इन द डिक्शनरी। आपने देखा होगा कि वादे कश्मीर में बहुत सारे ऑथर्स राइटर्स आज बडिंग हमारे जो ऑथर्स हैं किताबें लिख रहे हैं और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर के अंदर की बडिंग राइटर्स ऑथर्स उभर कर सामने आ रहे हैं। और वैसे ही आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है सदाए कल्प। और तहज्जुब की बात तो ये है कि कलम का नाम गुमनाम राही है और कल यानी कि संडे 8 नवंबर को इनकी बुक ऑफिशियली लॉन्च हो रही है। बिल्कुल हमारे साथ आज मौजूद है राफिया बशीर मीर। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार कैसे आपके अंदर ये शौक पैदा हुआ किताब लिखने का और इतनी बड़ी किताब जिसमें जाके ऑलमोस्ट लगता है कि हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने जिक्र करी है। अस्सलाम वालेकुम राफिया। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू इन आवर शो। थैंक यू सो मच राफिया। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि थैंक यू। किताब लिखना कोई छोटी बात नहीं होती किसी के लिए भी। सबसे पहले आप हमें हमारे नाज़रीन को बता दीजिए कि ये आपकी पढ़ाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप हो कहाँ से, आपका पूरा नाम क्या है और कौन सी किताब आपने लिखी है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मीर राफिया बशीर है, मैं सौरा श्रीनगर से हूँ। मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने आज से 4 साल पहले लिखना स्टार्ट किया था। और लिखता कोई बंदा ऐसे ही नहीं है जब तक ना उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। व्हेन समवन फील्स कि मुझे लिखना चाहिए अब, तो ऐसे ही कोई कलम नहीं उठाता। ठीक है, तो कलम उठाने के पीछे कोई ना कोई ख़ास वजह होती है इंसान की। किसी का शौक़ होता है, किसी के जज्बे ऐसे होते हैं कि उसको कलम उठाना पड़ता है, किसी के हालात उसको मजबूर करते हैं कलम उठाने पे। तो ऐसा ही कुछ हाल मेरा भी है, मैं भी किसी लिहाज से मजबूर हो गई थी कलम उठाने पे और कुछ हद तक मेरा शौक़ भी था। तो आज ऑलमोस्ट 4th साल है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुकें कंप्लीट हो गई है जो कि कल लॉन्च हो रही है 21 माइल्स कैफे ऑपोजिट इकबाल पार्क। मेरी बुक का नाम सदाए कल इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बुक में मैंने वो सारा मेंशन किया हुआ है जो मेरे दिल में था। मैंने किसी का सुना नहीं है, मैंने किसी और का लिखा नहीं है, मैंने उसमें जो भी लिखा है वो मैंने बिल्कुल अपने दिल से लिखा है। ठीक है, लिखता मेरा हाथ था लेकिन वो अल्फाज मेरे दिल से थे। और जो मेरा यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, जहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन दिया आपने किताब का कि सदाए कल्ब आप अपने दिल से लिख रहे थे, लिखता तो हाथ था लेकिन दिल से लिख रहे थे आप। सबसे पहले आप हमें बता दीजिए कैसे आपके अंदर ये शौक आया कि मुझे किताब लिखनी चाहिए या कि कब से आपने लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने कहा इससे पहले भी कि 4 साल पहले मुझे लिखने का काफ़ी शौक़ हो गया और हालात भी कहीं ना कहीं ऐसे थे कि मुझे कलम उठाना पड़ा। शौक़ मुझे इस तरह से हो गया कि मेरी एक सहेली लिखती थी क्लास में, वो लेकिन वो हमारा बचपना था कि हम कलम उठाते थे, डायरीज़ बनाते थे वगैरह वगैरह, वो शौक़ था हमारा। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इंसान को कुछ हासिल करने के लिए कुछ मेहनत, मतलब हार्डवर्क ज़रूरी है, तभी जाके इंसान कुछ बन सकता है। ये एक नहीं कि हवा में कोई आ जाएगा उसको बोलेगा कि तुम फलां बन गए, फलां शख्स बन गए, उसको कुछ खुद भी करना पड़ता है। लाइक ऐसा ही मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, अगर मुझ में टैलेंट है तो मुझे इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, मुझे इसको अंदर नहीं रखना चाहिए, ताकि बाकी बच्चों में जिनको मतलब लगता है कि हमारे अंदर टैलेंट है लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनको रोकती है उसको आगे लाने से। मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो कि मैं अपना टैलेंट लोगों के सामने लाऊं ताकि हर कोई देखे और हर किसी को शौक़ हो कि वो अपने टैलेंट को उभारे, वो उसको अंदर ही ना रखे, क्योंकि गॉड गिफ्ट होता है तो हमें चाहिए कि हम इसको यूज़ करें। राफिया, जहाँ तक अपनी किताब की बात करें सदाए कल्ब, ये इस सदाए कल्ब का मकसद क्या है, मतलब नाम असल में मीनिंग क्या है सदाए कल्ब? सदाए कल्ब का मतलब सदाए सदा आवाज़ अल्फाज, और कल्ब का मतलब कल्ब हम दिल को कहते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि कहा भी लिखता मेरा कलम था, अल्फाज मेरे दिल के थे। ठीक है, तो इसलिए मुझे फिर लगा कि ये नाम इसको सूट करता है तो मैंने ये नाम इसको दे दिया। और एक चीज़ आपकी किताब के अंदर एक मतलब कहेंगे कि एक अलग सा देखने को मिला कि कलम नाम जो है, आपके पेन का नाम जो है गुमनाम राही, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक मसलहत है। मसलहत कुछ ऐसी है कि मेरी क्लासमेट के एक मतलब जानने वाले का वो कलमी नाम, वो आर्टिकल लिखने वाले थे, वो अपना कलमी नाम गुमनाम परिंदा रखते थे। ठीक है,
तो मुझे कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बोलती थी कि तुम हर किसी के पीछे जान छिड़कती हो, लेकिन जब तुम्हारी टर्न आती है तब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, तुम हमेशा अकेले दर बदर घूम रही होती हो। ठीक है, तो राही का मतलब होता है राह दिखाने वाला। ठीक है, तो फिर गुमनाम इसलिए क्योंकि जब फिर मेरी बारी आती है तब लोग जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं है, तो मैंने ये नाम रख दिया। हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, क्या किसी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ा इस किताब को लिखने के बीच में? किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फटाफट से बता हमारे। ये जरूरी है कि जब भी इंसान कोई अच्छा सा स्टेप उठाएगा तो सोसाइटी के ताने सुनने हैं, कहीं ना कहीं फैमिली भी पहले सपोर्टिव नहीं होती है। मैंने काफी सारा सफर किया इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने पहले सफर किया शायद उसी का फल मुझे अल्लाह ताला दे रहे, क्योंकि सब्र का फल सच्ची में वाकई मीठा होता है। तो क्या होता है कि जब इंसान मतलब कुछ अच्छा करना चाहता है तो बहुत सारी रुकावटें आ जाती है उसके रास्ते में। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो गया कि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो पहले मुझे पेरेंट्स ने बोला ये क्या है, वक्त ज़ाया है, वो है, ये है, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार अपने भाई की हूँ जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को फिर समझाया कि नहीं, इसको अल्लाह ताला की तरफ से है ये, तो हमें इसका साथ देना चाहिए ताकि इसमें आगे बढ़े। ये टैलेंट है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये लिख रही है। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मोटिवेट हो गए कि नहीं, अब इसका भाई कह रहा है तो कुछ बात ही होगी इसमें। और अपने भाई के साथ साथ अपने एक ख़ास उस्ताद आकिबुल्ला हमराज उनका नाम है, वो भी एक ऑथर है और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने भी काफ़ी सक्सेस पाया है, उनकी भी मैं काफ़ी मशकूर हूँ कि उन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया। मुझे लगता है मेरा सारा क्रेडिट मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स और फहीम सर जिनके थ्रू मेरी किताब पब्लिश हो रही है, मेरा सारा क्रेडिट उन्हीं को जा रहा है। तो रिसेंटली हमने देखा, आज की अगर बात करें, आज सुबह भी मैं मॉर्निंग में पेपर्स देख रहा था, हर एक पेपर में आपकी फ़ोटो छपी हुई थी, स्टोरी आपकी लिखी हुई थी, सोशल मीडिया पे आप वायरल थे, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पे जाते हैं वहाँ पे सदाए कल राफिया बशीर मीर नज़र आ रही है जी। तो इसके हवाले से आपसे थोड़ा सा, इस हवाले में मैं क्या बोलूँ, मैंने कहा कि सब्र का फल काफ़ी मीठा होता है और मैं उनकी भी काफ़ी मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इसमें साथ दिया कि बहुत सारी हेल्प की मेरी ताकि मैं इस लेवल पे पहुँची। लाइक कल भी मैं मॉर्निंग में उठी तो काफ़ी सारे लिंक्स मेरे व्हाट्सएप पे आई हुई थी, मैं चेक कर रही हूँ हर एक जगह मेरा नाम है। आज भी मैं उठी तो काफ़ी पेपर्स पे मेरा नाम आया है, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम जिन्होंने मेरी मदद की। तो राफिया, अभी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, जो हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बडिंग ऑथर्स उभर कर आ रहे हैं जी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और साथ साथ जितने भी हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज हर किसी पहले ही राइटर के लिए ये है कि अपनी राइटिंग्स को कभी ना छोड़े, ये गॉड गिफ्ट है, अपने टैलेंट को यूज़ करें और इस फील्ड में आगे जाए। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। और बाकी यूथ्स के लिए भी ये है कि अगर उनमें किसी ना किसी तरह का टैलेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लिखता होगा, कोई आर्टिस्ट है, कोई कैलीग्राफर है, आजकल बहुत सारे हमें सामने आ रहे हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हमें सामने आ रहे हैं, लाइक कोई आर्टिस्ट बन रहा है, कोई सिंगर है, कोई पोइट है, कोई पोइटेस है, तो ऐसे काफ़ी सारे, कोई म्यूजिशियन है, कोई कॉमेडियन है, तो काफ़ी सारे फील्ड्स के बच्चे हमें सामने आ रहे हैं, तो मैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। और ये कि अपने टैलेंट को हमेशा यूज़ करें, अपने टैलेंट को अंदर ही ना रखें, क्योंकि अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत तोहफा होता है, तो हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो राफिया, जब सबसे पहले आपको पता चला कि मेरी बुक जो है वो कम्प्लीट हो गई है, तो सबसे पहले आपने अब किसको जो है बुक है डेडिकेट करना चाहेंगे या देना चाहेंगे एज गिफ्ट के तौर पे? मेरी बुक सबसे पहले मेरे हाथ में होगी और उसके बाद मैं हर किसी के लिए वो डेडिकेट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने उसका डेडिकेशन भी यही लिखा है कि मैं अपनी किताब उन सब लोगों के नज़र कर रही हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, अभी तक मेरा साथ दिया किसी भी लिहाज से, चाहे वो स्पिरिचुअली साथ हो, ये नहीं ज़रूरी है कि आपको मेरे साथ बात कर रहा है तो वो हो गया साथ देना, किसी की दुआएं मेरे साथ है, चाहे वो शख्सियत मेरे साथ अभी हो या ना हो लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ है, या जो भी लोग मेरे साथ है, जो भी लोगों ने मेरी मदद की इस फील्ड को आगे ले जाने में, जिनकी वजह से आज मेरी बुक मार्केट में आ रही है इंशाल्लाह, मैं उन सब लोगों के नाम ये बुक कर रही हूँ। हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दीजिए कि इस बुक में आपने किस किस बारे में लिखा है? मेरी बुक का थीम कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं है, मैंने क्योंकि मैंने कहा कि वो मैंने जो भी लिखा है मैंने दिल से लिखा है, तो किसी एक मौजू पे मैंने बात नहीं की है। ठीक है, लाइक मैंने फैमिली के बारे में लिखा है, मैंने फ्रेंड्स के बारे में लिखा है, मैंने टीचर्स के बारे में लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने कश्मीर के बारे में भी लिखा है, मैंने कश्मीर के ब्लडशेड के बारे में लिखा है, और जो इस साल का वबा हो गया इसके बारे में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, और मेरी डेली लाइफ राइटिंग्स थी वो।
तो मेरा कोई एक पर्टिकुलर मौजू नहीं है ताकि मैं उसको डिफाइन कर पाऊँ कि इस बारे में लिखा है और ऐसा ऐसा लिखा है। मैंने काफ़ी सारे फील्ड्स को टच किया है उसमें। तो हमारी व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे अपने बुक के बारे में, जो आपकी बुक पढ़ना चाहे या जो आपकी बुक लेना चाहे जो इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास बुक रीडर्स है, तो क्या रिक्वेस्ट रहेगी या क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज है कि मेरी बुक को आप पढ़ें, आप देखें कि उसमें क्या, और हाँ अगर कहीं ना कहीं मेरी कोई मिस्टेक होगी वो मेरे सामने डिफाइन करे, वो मेरे सामने मुझे बताए, ये ना कि कल को कि मुझे पीठ पीछे बोलेंगे लोग कि इसने लिखा है तो क्या लिखा है, वो क्या क्या। अगर हम लोग किसी इंसान को उतनी तवज्जो नहीं दे सकते, लाइक कि मेरी किताब कोई पढ़ना नहीं चाहेगा तो ना पढ़े, लेकिन उसको कोई हक नहीं बनता है कि वो उसकी इज्जत भी ना करे, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें मैंने जो भी लिखा है वो एक इल्म होता है इंसान के पास, तो ये अल्लाह ताला की, हम एक इंसान की इंसल्ट नहीं करेंगे, हम अल्लाह ताला के दिए हुए तोहफे की इंसल्ट कर रहे हैं इसमें। तो मैं चाहूँगी कि हमेशा हर किसी फील्ड की रेस्पेक्ट कर लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी मेरी बुक पढ़ेंगे आई होप कि वो सब इन्जॉय करें और उससे कुछ सीखे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जो इंसान की हिदायत के काम आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ़ायदा देगी मेरी किताब। ये हमारे साथ मौजूद थे वादी कश्मीर की एक उभरती हुई राइटर ऑथर मीर रफिया बशीर, जिन्होंने 12th क्लास में, हालांकि अभी भी इनका 12th कंप्लीट नहीं हुआ है, 12th क्लास में एक बुक लिखना, 4 साल में उसको कंप्लीट करना, स्ट्रगल्स ये सारी चीज़ें आती है, और स्ट्रगल्स सेक्रीफाइस के बिना आप कुछ भी लाइफ में हासिल नहीं कर सकते। तो हमारी तरफ से भी हमारे व्यूवर्स के लिए यही रिक्वेस्ट है कि इस बुक सदाए कल्ब को आप ले, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी, आपको पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो कोई भी बुक लवर इस बुक को चाहता है कि वो इस बुक को पढ़े, वो बेझिझक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, अपना नाम भेजें, एड्रेस भेजें, आपको एक हार्ड कॉपी इस बुक की मिल जाएगी। और स्पेशली जितने भी बडिंग हमारे ऑथर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफर्स हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, उनके लिए भी हमारी तरफ से यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ आपने शुरू किया है उसमें लगे रहे, क्या पता आगे जाके आप लोगों की वजह से हमारे वादी कश्मीर का नाम जो है वो मुस्तकबिल जो है वो आपकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर कश्मीरी होने के नाते हमें उस पर प्राउड फील हो। फिलहाल के लिए इतना ही था, ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर से आपके साथ किसी न किसी नई आगाज़ के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। राफिया जी, आपने इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आपने भी मेरा सुना, थैंक यू टू एवरीवन।